पिथौरागढ़ टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में ग्यारदेवी के पास एक मारुति कार खाई में जा गिरी। वाहन में सवार एक युवक की मौत हो गई। घटना शुक्रवार रात्रि 12 बजे के आसपास हुई। मिली जानकारी के अनुसार चालक वाहन को बैक कर रहा था, इसी दौरान वाहन खाई में जा गिरा। वाहन में सवार 30 वर्षीय नीरज कोहली पुत्र जगदीश कोहली गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल लाया गया। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अमन आलम ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रात में ही हायर सेंटर रेफर कर दिया। अल्मोड़ा के निकट पहुंचने पर हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मृतक बांस गांव का रहने वाला बताया गया है। वाहन चालक बड़ावे निवासी पीतांबर जोशी के शरीर में चोटें लगी है, जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। कोतवाल हिमांशु पंत ने बताया कि वाहन में हाल निवासी कुमौड़ नंदन सिंह व सौरभ सवार थे, जो वाहन गिरते ही छिटक गए, जिससे उन्हें हल्की चोट आई है। मृतक का अल्मोड़ा में ही पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।